जय श्री हरिवंश, जय श्री मीन नारायण, जय श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी प्रिय राधा रानी सरकार के प्रिय भक्तों पर बहुत बहुत कृपा बरसे श्री राधा रानी सरकार की, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और आप सभी अच्छे होंगे और सदा सही रहें। चलिए वीडियो के द्वारा चलते हैं। अब हालांकि ओरिजिनल वीडियो नहीं दिखाते प्रेमानंद महाराज जी की, लेकिन फ़ोटो को के माध्यम से जो अपडेट मिलती है वही दिखाते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। सबसे सौभाग्यशाली है ऐसे परम संत, ऐसे सतगुरु के दर्शन आपको प्राप्त हो रहे हैं और हमारी श्री किशोरी जी के दर्शन आप कर रहे हैं, जो साथ में हमारे कन्नू, हमारे पाके बिहारी श्याम सुंदर साथ में विराजमान हैं। श्री राधा रानी सरकार का कहते हैं हमारी किशोरी जी को क्या क्या प्रिय है। चलिए हम किशोरी जी को बताते हैं इनको क्या क्या प्रिय है। दूसरा, पहला, उनको अतिक से अतिक श्रृंगार उनको बहुत प्रिय है। किशोरी जी का श्रृंगार उनको प्रतिदिन सुंदर से सुंदर श्रृंगार करोगे, बहुत ही ज़्यादा प्रेम से, और प्रेम हो हर चीज़, बस तुम्हें भी हर चीज़ में प्रेम से, क्योंकि प्रेम की देवी हैं और प्रेम की सागर करुणा बरसाने वाली श्री राधा रानी है। जैसे कि गुरुदेव बताते हैं उनका नाम भी श्री राधा रानी सरकार से जुड़ा हुआ है, प्रेमानंद महाराज जी। तो चलिए, पहला हो गया कि उनको श्रृंगार बहुत प्रिय है। दूसरी, उनको श्रृंगार के साथ साथ अपने श्याम सुंदर का हर चीज़ प्रिय है, जो मेरे बाकी बिहारी जी को पसंद है। हमारे बिहारी जी को सबसे प्रिय तो राधा ही है, दूसरा गौ माता, तीसरा माखन मिश्री, चौथा बंसी और गोपियाँ। और हमारे किशोरी जी को भोजन में अरवी की सब्ज़ी, कड़ी और माखन मिश्री और हमारे ठाकुर जी की बंसी, ये बहुत प्रिय है। हमारे किशोरी जी को गौ माता, खरगोश और जो हम संस्कृत भाषा में कहें सुखमानी तोता, तोता भी उनको बहुत प्रिय है। और यही प्रतिदिन हम अपने सभी राधा रानी सरकार की जो सेवा करते हैं, हम प्रतिदिन अपने किशोरी जी की जो उनको प्रिय है, हमारे ठाकुर जी को या राधा रानी सरकार को, वो सारी वस्तु, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारी किशोरी जी का जो देख रहे हैं श्रृंगार इतना अद्भुत, प्रतिदिन सुंदर से सुंदर सजाने का, उनका करने का, उनको दिखाने का और उन्हें रखने का बहुत प्रयास करते हैं प्रेमानंद महाराज जी, लेकिन उनका सौंदर्य अलग ही छलकता है और बहुत ही सुंदर लगते हैं। श्री राधा रानी सरकार के ये दर्शन करने के लिए हर भक्त उतावले रहते हैं, लेकिन भजन संध्या में जगह जितनी है उतने ही भक्त आ पाते हैं। और जब भजन संध्या भजन किरताल के साथ होती है, सभी भक्त आनंद में पुष्प से होली खेलते हैं, पुष्प बरसाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। हर चीज़ में प्रेम सींचा हुआ है और हर चीज़ प्रेम से प्रेमानंद महाराज जी बहुत अर्पण करते हैं। किशोरी जी का श्रृंगार को निहारना, उनका दर्शन करना, दर्शन करते करते नेत्र में आंसू आ जाना, सबसे बड़ा संकेत और प्रेम की यही एक पहचान होती है। सभी सेवादार सतगुरु की सेवा में लगे हुए हैं और किशोरी जी की सेवा में आज जीवित हमारे प्रेमानंद महाराज जी हम सबके बीच में बैठे हैं श्री किशोरी जी की कृपा और उन्हीं की शक्ति पर है। और हम सभी को ज्ञान प्रदान करते हैं और हर चीज़, छोटी से छोटी वस्तु का, हर चीज़ का उनका ध्यान रखते हैं और रोज़ाना सब कुछ नया बदल जाता है। जैसे उनके वस्त्र होते हैं वैसे सिंहासन का कपड़ा, वस्त्र, पुष्प, आभूषण और नाम, हर चीज़ का चेंज हो जाता है। देख रहे हैं जो प्रतिदिन सभी भक्त जब गुरुदेव रात्रि में तड़के में ब्रज में निकलते हैं प्रकम्बा के मार्ग में, भक्त करोड़ों खड़े हो जाते हैं, लाखों भक्त खड़े हो जाते हैं, रात्रि से ही काफ़ी समय से खड़े हो जाते हैं और प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए मार्ग में खड़े हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जो जो प्रेमानंद महाराज जी को प्रेम करते हैं उनके लिए उपहार, राधा राधा नाम खूब ज़ोर ज़ोर से उच्चार करते हैं। ये प्रेम देखकर गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और ढेर सारा
हृदय से आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त कराते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये राधा रानी सरकार बहुत ही प्यारी, प्रतिदिन बहुत ही सुंदर से सुंदर लगती हैं, और बहुत जितना इनका श्रृंगार करो, बहुत ही इनका श्रृंगार निहारने का, इनका दर्शन करने की क्षमता मनुष्य में बहुत कम है होती है, लेकिन जितना निहारो कमी कम है। लेकिन हमारी राधा रानी सरकार के जो प्रिय भक्त हैं, अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारी किशोरी जी के लिए कमेंट कर दें गुरुदेव के लिए, और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जय श्री राधे राधे लिखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम रोज़ अपने वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन करा सकें हमारी किशोरी जी ने क्या पहना है, राधा रानी सरकार ने क्या पहना है, और कितनी प्यारी लग रही हैं, जो कैसे सेवा करते हैं प्रेमानंद महाराज जी, उनको झूला झुलाते हैं, नौका विहार भी कराते हैं उनको, और अपने बगीचे में भी घुमाते हैं उनके, और सब कुछ प्रति पूरा 24 घंटे सब उन्हीं के काम कार्यों में निकल जाता है और उनके भजन संध्या में। अगर आप भी प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करते हो, जुड़े हो, कमेंट करके बताएं, और इनके बारे में आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट कर सकते हो, और हमारी राधा रानी की ऐसी लग रही हैं आप कमेंट करके बताएं, और आई एम श्योर आप अच्छे रहो, हरे कृष्णा, और हमारी वीडियो से जुड़े रहें ताकि हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को भक्तों को दर्शन करा सकें, और हमारी राधा रानी सरकार की ये सौंदर्य रूप बहुत परम सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है, भक्तों को। और आप वृंदावन गए होगे तो आपने ये वृंदावन की महिमा जानी होगी, अगर नहीं गए हो तो किशोरी जी से प्रार्थना है कि जल्द आपको वृंदावन बुलाएं आप सभी को, और अपने हमारी राधा रानी सरकार के दर्शन करें और अपने जीवन धन्य करें। हमारी करुणा बरसाने वाली इसलिए नहीं कहते कि वो बरसाने में रहती हैं, बरसाने वाली इसलिए कहते हैं कि कृपा का करुणा का सागर बरसा देती हैं। श्याम सुंदर भी उनके चाकर बने रहते हैं, कहते हैं ना, श्याम बिना तुम आधे, श्याम बिना तुम आधे, राधे बिना श्याम आधे, राधे 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 राधे। श्याम बिना हम सब भक्त आधे हैं, और राधे बिना श्याम खुद आधे हैं, और हमारे सब कुछ अब तो सब राधे राधे हैं। तो ब्रजवासी कहते हैं ना, सारे सुर त्यागे हैं, बस एक ही सुर में बाजे हैं, हाल ना पूछो ए मोहन हमारा, अब तो सभी कुछ राधे राधे हैं। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन विन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल कृष्ण राधे जी को दास। और बहुत सब के मन में भक्ति में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, बहुत से पूजा में उसका मन बहुत चंचल होता है। तो इस जो मैं बोलने जा रही हूँ इसको ध्यान से सुने, जैसे खाए अन्न वैसी बोले होए मन, जैसे पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसे राखों की शुद्धि वैसी होए बुद्धि। इसका मतलब है, जैसा आप खान पीन खाओगे वैसी तुम्हारे मन में विचार आएंगे, और जैसे रखोगे अपने शुद्धि वैसी होएगी तुम्हारी बुद्धि, और जैसे पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। आजकल खान पीन हमारा बहुत गंदा हो चुका है, मांस मदिरा खाते हैं, गंदी जगह बैठ जाते हैं, गंदी गंदी बातें सुनते हैं, और मोबाइलों में भी गंदी चीज़ें देखते हैं, और गंदी चीज़ें पढ़ते हैं, वही हमारे मन में बैठ जाती है, वही हमारा मन में बस जाती है, और हमारा मन बहुत चंचल होता है और गंदे पाप करा देता है। लेकिन यही मन को हम अपनी सही दिशा में सही चीज़ की ओर लगाएंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। तो सत्संग के ही माध्यम से हमारा मन निर्मल होता है, कथा के माध्यम से मन को निर्मल पाते हैं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा भजन नाम जप करें, और कमेंट में हरे राधे लिखना ना भूलियो। हमारी किशोरी जी बहुत कृपा करेंगे आप सभी प्रिय भक्तों पर। तो चलिए अगली वीडियो फिर मिलते हैं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। और आप सभी भक्त अपने नाम जप करें और पढ़ाई में मन लगाएं, बिजनेस करो तो बिजनेस में मन लगाएं, लेकिन कार्य